सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ तो बच्चों, कक्षा 9 के लिए हम गणित विषय पढ़ रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज 3.2 अपने खत्म हो गई थी। आज 3.3 पढ़ेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सब कुछ बता दिया था, किसी बिंदु के निर्देशांक अंकित करना, इसमें यही सीखेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है एक्सरसाइज 3.3 का कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु, ये बिंदु दिए हुए हैं -2, -4, -1, -10, -2, -3, -5 -3 और -5 ये कहाँ स्थित हैं और कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। यदि आप इसको ग्राफ में बनाना चाहो तो ग्राफ में भी बना सकते हो, और ग्राफ में नहीं बनाना चाहो तो आप पेज पर भी बना सकते हो। कैसे बनाना है, सबसे पहले दोनों अक्ष बना लो, बना लिए, इन पर एक निश्चित दूरी लेकर 1, 2, 3, 4, 5 ये तो है एक्स अक्ष, इधर कौन सा एक्स डैश पूरा एक्स अक्ष है, और इधर क्या आएंगे निर्देशांक माइनस वाले -1, -2, -3, -4 ये कौन सा अक्ष है वाई अक्ष, वाई अक्ष पे इधर ऊपर निर्देशांक देंगे प्लस के 1, 2, 3, 4, 5 और नीचे कौन से निर्देशांक, नीचे कौन सा वाई डैश, नीचे कौन से माइनस वाले -1, -2, -3, -4, -5 ये अपन ने बना दिया ग्राफ का फॉर्मेट। अब इस पे अपन को ये वाले बिंदु अंकित करने हैं। अब सबसे पहला बिंदु देखो क्या दिया गया है -2 और 4, एक्स की जगह पे कितना आ रहा है -2, तो एक्स पे -2 ये रहा, और वाई पे कितना आ रहा है 4, वाई पे 4 ये रहा, तो ये -2 और ये 4 ये कहाँ पे आके मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे इस जगह पे, तो ये यहाँ पे कौन सा बिंदु हो गया -2 और 4, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -2, 4। इसी प्रकार दूसरा बिंदु देखो, दूसरा क्या है 3 और -1, 3 कहाँ पे है एक्स अक्ष पे ये रहा, और वाई अक्ष पे -1 कहाँ है ये रहा, तो ये कहाँ आके मिलेंगे देखो यहाँ पे मिलेंगे, ये मिला दो ठीक है, तो ये यहाँ पे कौन सा बिंदु आ गया 3, -1। अब ये -1, 0 है, -1 एक्स अक्ष पे है ये रहा, -1 एक्स अक्ष पे, और वाई अक्ष पे 0 है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा यहीं पे, क्योंकि 0 कहाँ रहता है ये रहा, तो ये कौन सा बिंदु हो जाएगा -1, 0 ठीक है। इसके बाद देखो 1, 2 एक्स अक्ष पे कितना है 1 ये रहा, वाई अक्ष पे कितना है 2 ये रहा, तो ये दोनों कहाँ आके मिलेंगे इस जगह पे, तो मिला दो, तो ये कौन सा बिंदु हो जाएगा 1, 2। अब इसके बाद बचता है -3, -5 मतलब एक्स अक्ष पे भी -3 ये रहा, और वाई अक्ष पे कितना है -5 कहाँ है ये रहा, तो इन दोनों को मिला दो, ये मिल गया, ये यहाँ पे कौन सा बिंदु आ जाएगा -3, -5। अब उसने ये पूछा है अपन से ये बिंदु कौन से निर्देशांक में है, तो सबसे पहले देखो -2, 4 वाला है ये कौन से चतुर्थांश में, ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश, और ये फोर्थ चतुर्थांश, तो अब आराम से हम उत्तर दे सकते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश में कौन सा बिंदु है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश में कौन सा बिंदु है देखो 1, 2 है, ये 1, 2। सेकंड चतुर्थांश में कौन सा बिंदु है, सेकंड चतुर्थांश में देखो कौन कौन सा बिंदु है -2, 4 और इसके अलावा और बिंदु भी है क्या, ये देखो -1, 0 ये थर्ड चतुर्थांश पे आ जाओ, थर्ड चतुर्थांश में कौन सा बिंदु है देखो ये रहा -3, -5
फोर्थ चतुर्थांश में देखो कौन सा बिंदु है, तीन कोमा माइनस ए, ठीक है। अब ये वाला बिंदु जो है ये देखो ये कौन से अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे भी है, आप इसको चाहो तो सेकंड चतुर्थांश में भी ले सकते हो, लेकिन अपन इसको किसमें लेंगे, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु है, माइनस एक कोमा जीरो, तो आप इसको बना लो और इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू है, अब इसमें देखो इसमें दिया गया है अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। अब अपन इसको चाहे तो ग्राफ में बना ले, चाहे तो कॉपी पे बना ले। अब देखो ग्राफ और कॉपी पे दोनों में सेम बनेगा। सबसे पहले तो बिंदु दिए गए हैं, एक्स पे तो ये वाले मान है, वाई पे ये वाले। तो पहला बिंदु क्या बना, माइनस दो कोमा आठ, माइनस एक कोमा सात, जीरो कोमा माइनस एक पॉइंट दो पाँच, एक कोमा तीन, तीन कोमा माइनस एक। अब वही सबसे पहले अपन को क्या करना है, ठीक है, इधर तो प्लस वाले मान, इधर माइनस वाले, इधर प्लस वाले, इधर माइनस वाले, इधर तो कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष। अब यहाँ पे देखो बराबर दूरी ले लेना, एक दो तीन चार, ठीक है। इधर माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, और ये माइनस चार। इधर एक दो तीन, इधर माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस, ये तो एक्स अक्ष है, ये कौन सा हो जाएगा, एक्स रेस, ये वाई और ये वाई रेस, और ये क्या हो जाएगा, जीरो। अब इन पे बिंदु अंकित करना है अपन को, माइनस दो कोमा आठ, इसको थोड़ा ऊपर तक बनाना पड़ेगा अपन को, यहाँ पे आठ आएगा तो मैं इसको थोड़ा और ऊपर तक बना देता हूँ, ये मिटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बिंदु एक कोमा तीन और तीन कोमा माइनस, इसको और ऊपर तक ले जाओ, ठीक है। एक चार के बाद पांच, छ, सात, ये, ठीक है। ये सारणी आपको पूरी बनानी है, यहाँ पे एक तीन है और फिर तीन माइनस एक। तो सबसे पहले तो एक काम कीजिए, आप इस सारणी को नोट कर लीजिए और इन बिंदुओं को नोट कर लीजिए, उसके बाद में ग्राफ बताऊंगा आपको। अब देखिए मैंने ये बिंदु लिख दिए हैं, ये बिंदु अपन को इस ग्राफ में अंकित करने हैं। पहला बिंदु क्या है, माइनस दो कोमा आठ। अब माइनस दो एक्स अक्ष पे, माइनस दो कहाँ है, ये रहा, और आठ कहाँ पे, ये रहा। तो इन दोनों को देख लो कहाँ पे मिल रहे हैं, ये इधर, तो देखो यहाँ पे सीधा ले जाओ और इधर ये, तो ये कौन सा बिंदु हो गया, माइनस दो कोमा, ठीक है। उसके बाद देखो माइनस एक कोमा सात, तो एक्स अक्ष पे तो क्या है, माइनस एक, एक्स अक्ष पे माइनस एक कहाँ आता है, यहाँ आता है, और वाई अक्ष पे कितना है, सात, वाई अक्ष पे सात कहाँ आता है, यहाँ आता है, मिला दो इनको, ये मिला दिया, ये कौन सा बिंदु आ गया यहाँ पे, माइनस एक कोमा सात। इसके बाद देखो तीसरा बिंदु, जीरो कोमा माइनस एक पॉइंट पच्चीस, तो जीरो कहाँ पे आएगा, एक्स अक्ष पे, ये रहा जीरो, और वाई अक्ष पे कितना है, माइनस का एक पॉइंट पच्चीस, वाई एक्स पे माइनस वाले मान किधर, नीचे, तो देखो माइनस एक पॉइंट दो पाँच है, तो देखो माइनस एक और माइनस दो के बीच में आना है, माइनस एक और माइनस दो के बीच में कितना आएगा, माइनस वन पॉइंट पाँच जीरो, तो ये इसका आधा। अब इस आधे का भी आधा वो कितना हो जाएगा, पॉइंट दो पाँच, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक पॉइंट दो पाँच, तो इस आधे का भी आधा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, तो ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, जीरो कोमा माइनस एक पॉइंट दो पाँच, ठीक है। उसके बाद तीन कोमा माइनस एक, एक्स अक्ष पे कितना है, तीन, और वाई अक्ष पे कितना है, माइनस एक, ये रहा, ये कौन सा बिंदु हो गया, तीन कोमा माइनस एक। अब ये वाला देखो,
ये तीन कोमा माइनस एक तो कर ही दिया अपन ने, एक्स अक्ष पे तीन, वाई अक्ष पे माइनस एक, ये वाला बिंदु छूट गया, एक कोमा तीन, एक्स अक्ष पे कितना है एक और वाई अक्ष पे कितना है तीन, तो ये वाई अक्ष पे तीन तो ये रहा और एक्स अक्ष पे एक ये रहा, इनको मिला दो, ये कौन सा बिंदु हो गया एक कोमा तीन। तो ये सारे बिंदु मैंने अंकित कर दिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, यही आपका आंसर है। ये दो क्वेश्चन मैंने दिए हैं, पहला क्वेश्चन एक्स वाई है, निर्देशांक निकाल लेना, इसका ग्राफ आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर टू है, उसमें मैंने ये बिंदु दे रखे हैं, ये बिंदु आपको ग्राफ लेना है, ग्राफ बनाना है, उसमें नोट करने हैं, और ये नोट करके किस पे भेजना है, फोटो खींच के ये मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन।